हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि हम लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं कोई भी कैलकुलेटिव या कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स कुछ ऐसा नहीं बताने वाली। इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक लाइफ थिंग्स जो हमारी लाइफ में हमारे साथ होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट कि जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती थी, व्हाट आई फेल्ट वॉज कि व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग देयर वॉज नो वन टू एक्सप्लेन मी दीज थिंग्स। कोई नहीं था जिसने मुझे आके थोड़ा इमोशनली ये बातें समझाई हों कि आई अंडरस्टैंड दिस हैपन्स बट यू विल डू इट वन डे। तो मुझे ये चीज़ लगी कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। सबको अंदर से पता होता है अपनी वर्थ, लेकिन कोई बताएगा तो हमें बेटर समझ में आती है। समटाइम्स वी गेट रियली नेगेटिव। तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू हेल्प दोज हु आर गोइंग डाउन दैट लेन, जो अभी थोड़ा एंग्जाइटी में जा रहे हैं या फिर जिनको नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो यू आर वर्थ इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट वन डे। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सिंपली समझाने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना कर दूँ, थोड़े पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि मैं आप लोगों तक अपनी बात थोड़ी बेटर वे से पहुंचा सकूं। तो आई होप इट रियली हेल्प्स। इफ़ इट हेल्प्स जस्ट टेल मी। अगर आपको लगता है आई एम नॉट हेल्पिंग इन एनी वे, तो प्लीज़ टेल मी दैट टू। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ लेटिंग योरसेल्फ डाउन। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती थी। कोई रिलेटिव्स घर पे आ रहे हैं या फिर कोई भी जस्ट नोन पीपल, घर के आसपास के लोग, वो घर पे आ रहे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशंस आजकल कैसी हैं, कंपटीशन आजकल कैसा है, हमारे देश की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको सब कुछ पता होता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत कॉन्फिडेंटली वो लोग बैठ के आपके सामने बात करते हैं कि आजकल नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बेटी ने भी ट्राई किया था, मेरे बेटे ने भी ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ, अभी वो प्राइवेट जॉब ही कर रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हें भी यही करना है। चलो एक दो साल तुम कोशिश कर लो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू दैट। चलो अभी इन्जॉय कर लो। ठीक है, तो ऐसे केस में आई यूज़ टू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे ऐसा फील होता था कि शायद सही कह रहे हैं ये, मुझे आ जा के करनी तो प्राइवेट जॉब ही पड़ेगी, क्लियर तो किसी का होता नहीं है, सुना तो है नहीं आसपास कि किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी हो, तो कोशिश छोड़ देते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना एटलीस्ट स्टार्ट अ प्राइवेट जॉब। अभी स्टार्ट करेंगे तो 5-6 साल के बाद कहीं नॉर्मल सैलरी, एक अच्छी सैलरी पर पहुँचेंगे, है ना। तो ये चीज़ें सोच के आई यूज़ टू रियली लेट माई सेल्फ डाउन। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही बुरे जोन में चली जाती थी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, माइंड में यही आता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पर ऐसे टाइम पे मैंने अब ये चीज़ फील की है अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद कि उस टाइम पे जब मैं पॉजिटिवली इस चीज़ को लेती थी, मुझे समटाइम्स अपने आप को मैं ये चीज़ समझाती थी कि इनको क्या पता है, इनको कुछ नहीं पता है, सब कुछ मुझे ही पता है, मेरी जॉब लगने वाली है। उस टाइम पे मुझे कई बार ऐसे लगता था कि शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही हूँ, मेरे बस की शायद नहीं है। पर अभी आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जब वो लोग मुझे ऐसा कहते थे तो मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये थॉट होता था कि इनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोग जो आप लोगों के घर पे आके, आप लोगों के जोन के अंदर घुस के आप लोगों को सलाह देते हैं, बेसिकली आप लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, उनको कुछ नहीं बोलना। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड आर्ग्यू विद देम, आई नेवर आर्ग्यूड। मैंने उनके सामने यही कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, कोशिश कर लेती हूँ, नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब तो है ही, लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग रखो कि इनको कुछ नहीं पता, हमें सब पता है, हम कर लेंगे, हमें अपनी वर्थ पता है, इनको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, ये चीज़ बहुत हेल्प करती थी मुझे। मे बी आई मे बी साउंडिंग नेगेटिव, पर मेरा यही तरीका था अपने आप को अच्छा फील करवाने का कि मुझे पता है आई एम वर्थ इट एंड आई एम गोना अचीव इट वन डे। ओके, चलिए अभी हम चलते हैं सेकेंड जो पॉइंट है मेरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ ऑल्सो समवेयर। ये पॉइंट है, डोंट लेट एनी वन टेक योर लाइफ डिसीजंस। अब इस बारे में मैंने गर्ल्स क्यों बोला, वेरी प्रिसाइजली जो मेरा इस चीज़ को लेके टेक है वो है शादी। मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती थी कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो जाएगा, तुम शादी कर लो, कोशिश करते रहना, आज नहीं तो कल हो तो जाएगा, तुम शादी कर लो, उसके बाद लग जाएगी जॉब, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा ऐसा था कि
जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अनएम्प्लॉयड रह के किसी और के घर पे नहीं जाऊँगी। ये मेरा डिसीजन था। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट एंटी मैरिज, शादी बहुत बुरी चीज़ है ऐसा कुछ नहीं कह रही। अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो। अगर आप चाहते हो, आपके आपका ड्रीम है कि मैं शादी करूँ, जस्ट गो फॉर इट। पर इन माई केस इट वॉज़ लाइक आई वॉज सो डिटर्मिंड कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले जॉब करनी है, मुझे पहले इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद कुछ और सोचना है। बॉयज़ के केस में भी आई थिंक ये चीज़ हो जाती है, पेरेंट्स कहते हैं भाई शादी कर लो, तैयारी करते रहना। पर मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा गर्ल्स के साथ होती है, या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस बींग अ गर्ल है, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग लाइक दैट। पर आई विल जस्ट मोटिवेट यू, अगर मेरे जैसी कोई लड़की है जो ये वीडियो देख रही है जिसको शादी नहीं करनी और पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा शादी कर लो, शादी के बाद तैयारी कर लेना, और तुम नहीं करना चाहती तो प्लीज़ मत करो। डोंट लेट एनी वन टेक योर लाइफ डिसीजंस। आई डोंट नो इफ आई मे बी साउंडिंग हार्श, पर मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ है, आपको खुद डिसीजंस लेने चाहिए ताकि कल को अगर कुछ बुरा भी होता है तो देर इज़ नो वन टू ब्लेम। आप अपने ऊपर अपने डिसीजंस खुद पे भरोसा करके अगर लोगे तो कल को ब्लेम नहीं करोगे किसी को। आप किसी और के भरोसे यहाँ शादी कर लोगे तो कल को उनको ब्लेम करोगे, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ जी रहे होंगे और आप ही की लाइफ में ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। बींग एन इंडियन, बींग अ गर्ल, आई हैव सीन दिस कि एक लड़की के साथ जब कुछ गलत हो जाता है शादी में तो वो लड़की ही सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। बाकी लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पर प्रॉब्लम्स उस लड़की को फेस करनी पड़ती हैं। उससे बेटर है कि पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद कोई और डिसीजन लो। रेस्ट इज़ योर डिसीजन। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो योर वर्थ। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों के अंदर कितनी काबिलियत है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, मुझे अगर लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मैं बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम पकड़ूंगी। मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा लो लेवल का एग्ज़ाम पकड़ूंगी। मुझे पता है किस एग्ज़ाम में मेरी पसंद के सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि यूपीएससी जो है, आई रियली लाइक दैट जॉब, ऑब्वियसली एवरीवन डज, इट्स एन ऑनर टू बी एन आईएएस ऑफिसर। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें जनरल स्टडीज़ आती हैं और मेरी जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छी नहीं है और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी कभी नहीं था। दैट्स व्हाई आई नेवर ट्राइड दैट एग्ज़ाम। आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट ट्राई एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू नो योर वर्थ। कौन सी चीज़ आपको कितनी आती है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो, ट्राई टू एनालाइज एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। डोंट लेट एनी वन टेल यू। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आईएएस की प्रिपरेशन करो, आईएएस की प्रिपरेशन करो। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे बैंकिंग ही करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट्स मेरी फील्ड हैं, ये सब्जेक्ट मेरा जोन है, मुझे आता है तो आई विल डू दैट ओनली। एंड आई थिंक आई प्रूव्ड दैट डिसीजन टू बी राइट। तो आप लोग अपने लिए इस चीज़ को एनालाइज करिए और जैसे आप लोगों को सही लगता है अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी वर्थ जानिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ स्टेइंग पॉजिटिव। अगर आपको ये लगता है कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, देर इज़ नो डाउट आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। फ्रेंड्स, एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस ऑन माई चैनल, दैट इज़ लॉ ऑफ अफर्मेशंस। आप लोग जो चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग, अफर्मेशंस बोलते हैं, तो जो चीज़ आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, जस्ट बिलीव कि आप अचीव कर चुके हो, आपकी लाइफ वैसी ही चल रही है जैसे आप चाहते हो, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आपका ड्रीम है, वो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे और वो चीज़ अल्टीमेटली आपके पास होगी। इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे, आप अपनी लाइफ इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे दैट आई एम अ बैंकर, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, व्हाट एवर योर ड्रीम इज़, वो चीज़ रियलिटी में बदलना शुरू होगी। आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन इट। आपको अच्छे से पता है कि वो आपका ड्रीम है, वो पूरा होने वाला है, तो आप डेफिनेटली उसको पूरा करोगे। आई एक्चुअली बिलीव इन दैट। व्हाट माई सजेशन इज़, स्टे पॉजिटिव। आप सोचिए कि ये चीज़ आप अचीव करने वाले हैं तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। बींग पॉजिटिव इज़ द बिगेस्ट थिंग, ठीक है? जब आप लोग सोच लेते हो कि ये चीज़ मुझे करनी है, मैं करके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो वो चीज़ वहाँ पे हाफ डन हो जाती है, ठीक है? दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अफर्मेशंस के बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करिए। वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू मैंशन फ्रेंड्स, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट आर आर बी, बी इट
RBI जिसमें कंप्यूटर्स पूछा जाता है और आप लोग कंप्यूटर के लिए सोर्सेज नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड इन माय लिंक्ड कमेंट एज वेल। ये लिंक ऑलिव बोर्ड का है, ऑलिव बोर्ड ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। उसमें उन्होंने कंप्यूटर की भी ई बुक्स प्रोवाइड की हैं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज़ इन हिंदी, तो मैं उनकी सभी ई बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डालने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पे जाएं एंड गिव इट अ ट्राई, उसको पढ़ के देखिए, आप लोगों को अच्छा लगता है जस्ट ट्राई फॉलोइंग देम। माई लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो इज़ डोंट लेट डिप्रेसिव थाट्स कम नियर यू। मुझे बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ होती थी, जैसे मैं आज कोई एग्ज़ाम दे के आई हूँ और मुझे होप नहीं है कि वो क्रैक होगा, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। आई वुड जस्ट कीप लेइंग इन द बेड और सोने की कोशिश करती थी उन थॉट्स को भगाने के लिए। मेरे साथ ये होता था, आई वुड स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या होगा अगर कभी मेरे से एग्ज़ाम क्लियर हुआ ही नहीं। मैं ये सोचती थी कि सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में जॉब लेना ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये कोटा जो रिजर्वेशंस आ जाती हैं बींग अ जनरल, बींग अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता मैं किसी दिन भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कभी कर ही ना पाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं हमेशा अनएम्प्लॉयड रह जाऊँगी। मैं बहुत इस चीज़ को बहुत सोचती थी कि फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इन चीज़ों को अपने करीब ना आने दें। इसके बारे में अपनी पहले भी वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। इसके लिए जो मैं करती हूँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए, डिप्रेसिव थाट्स को अपने से दूर करने के लिए, मैं करती हूँ मेडिटेशन। सबसे बड़ा मेरी लाइफ में जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है दैट इज़ मेडिटेशन। जैसे ही मुझे थोड़ा बुरा फील होने लगता है, आई एम फील डिप्रेसिव, आई एम फीलिंग समथिंग बैड अबाउट माई लाइफ, तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। 10 मिनट की मेडिटेशन से ही इतना फ़र्क पड़ता है, आई जस्ट बी द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। मैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खुश हो जाती हूँ, माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। अगर आप लोगों ने ट्राई अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, मेरे कहने पर करिए। आप लोग मुझे अपनी बहन समझिए, बड़ी बहन, छोटी बहन, वॉट एवर, और मेरी एक सलाह मान के एक बार 10 मिनट की मेडिटेशन थोड़े दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए ट्राई करिए एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, इट विल चेंज योर लाइफ। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो आजकल कर रही हूँ दैट इज़ रीडिंग बुक्स। मैं ये सब बातें अपनी एक और वीडियो में कर चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग दीज फॉर दोज जो अभी मेरी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं। तो आप लोग बुक्स पढ़िए, जैसी बुक्स आपको पसंद है। मैं सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ जिसमें मुझे बहुत कुछ लाइफ के बारे में पता चलता है। एक बुक जो मैं हमेशा रेकमेंड सबको करती हूँ, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट इज़ गुड वाइब्स गुड लाइफ। बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आजकल के टाइम पे फ्रेंड्स, जो हो रहा है, पीपल आर डाइंग सो अर्ली। आई जस्ट फील अफ्रेड कि कितना स्ट्रेस, कितना डिप्रेशन, एंग्जाइटी लेके हम लोग हमेशा अपने दिमाग में चलते हैं। हम लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि वी ऑल आर स्ट्रेस समवेयर और अदर, राइट? तो मैं तो वैसे भी थोड़ी परेशान रहने वाले लोगों में से हूँ। आई एम दैट पर्सन जो बहुत कम हंसते हैं और जनरली थोड़ा टेंशन में, डरे से में रहते हैं, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मेडिटेशन इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट डीलिंग विद दैट। ओके, तो मैं ये कहूँगी डिप्रेसिव थॉट्स को पास ना आने दें। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप करिए। आपको रनिंग करना पसंद है या वॉकिंग करना पसंद है, दोनों में से जो भी चूज़ करिए, लेकिन कुछ करिए और मॉर्निंग में करिए। फ्रेश एयर, फ्रेश एटमॉस्फेयर, इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर सब लगता है, बहुत अच्छा पीसफुल फील होता है। योगा करिए, कर सकते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके पूरे दिन में लेगी, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, खुश रहने के बहाने ढूंढिए। तैयारी जब हम करते हैं, बहुत कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है। आई एक्चुअली फील यू पीपल। अगर आप लोगों को लग रहा है ना आप अकेले हो, आप तैयारी कर रहे हो, कोई नहीं समझता, आज तो मम्मी ने भी बोल दिया कि तुझसे नहीं होगा, तू तो शादी कर ले, आज तो पापा ने बोल दिया कि ये तो बस पढ़ाई का बहाना लेके बैठी रहती है, कुछ नहीं होता, ऐसा सोच रहे हो अगर आप लोग, आई फील यू। सब लोग ये चीज़ें फील करते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। आप लोग इस तरीके से सोचेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। मैं वॉकिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, अभी मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है कि मुझे गिटार क्लासेस लगानी है, वॉट एवर यू लाइक जस्ट डू दैट। आप लोगों को खुश रहने के लिए जो भी लगता है उसको करिए, अच्छा फील करने के लिए। अपने आप को अच्छा फील कराना इज़ नॉट अ सिन। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है? आपको ऊपर जाके बस हवा में, शुद्ध हवा में, ठंडी हवा में बैठना अच्छा लगता है, जस्ट डू दैट। जस्ट डू डिफरेंट थिंग्स टू मेक योरसेल्फ हैप्पी एंड देर इज़ नो लैक ऑफ टाइम फ्रेंड्स। आई एम डूइंग अ जॉब राइट नाउ, आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो, आई डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स एज वेल एंड आई एम टेलिंग यू देर इज़ नो लैक ऑफ टाइम। आप लोग टाइम बोलते हो कि कम है, कम है, टाइम कम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए, ठीक है? तो माय सजेशन टू यू इज़ जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड टू चेज योर ड्रीम्स एंड जस्ट अचीव देम वन डे।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे फ्रेंड्स. आज मैंने बहुत सारी मॉरल बातें की हैं, मैंने अपने दिल की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो जनरली टू द पॉइंट रहने के चक्कर में वीडियोज़ में मैं नहीं कर पाती थी. आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़. जस्ट टेल मी योर थॉट्स अबाउट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत दिनों से रुक गए हैं. आप लोगों को याद होगा मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, उसके बाद वो रुके गए हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे. इट्स 5200 राइट नाउ. प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़. इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगता है इफ़ दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम. मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करिए, अपने थाट्स मुझे बताइए, अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे, जस्ट शेयर इट विद मी. And I will definitely see you in my next one. Bye-bye, friends. Thanks for watching my video.